इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के प्रश्नावली 30.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मींस जो पहला वाला है वो इस तरह से है। तो ऐसा शेप है पहले वाले डिब्बे का और इसकी लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है ये है 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइट है ये है 15 सेंटीमीटर। एक तो इस तरह का डिब्बा हो गया है, आयताकार आधारों का डिब्बा। दूसरा जो हमारे पास डिब्बा है वो है एक वृत्तीय आधार का डिब्बा, यानी उसका आधार वृत्तीय है तो एक किस्म से ऐसा बेलन बन रहा है। ठीक है, ये एक बेलन है और इसका जो व्यास है वो है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसका हाफ कर देते हैं, ये त्रिज्या हो गई है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ओके, इसकी हाइट से थोड़ा कम है ये। वेल, क्वेश्चन ये है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, यानी जो धारिता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब इसका आयतन यानी वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है। तो दोनों का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि किसमें कितना ज्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आयताकार आधार के डिब्बे का आयतन, ओके, आयताकार आधार के डिब्बे का आयतन क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ये घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो ये है 5 को 20 और 15 दुने 30, यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, अब देखो सेकेंड पार्ट, वृत्ताकार आधार का, यानी सिंपल सी बात करें तो बेलन, बेलनाकार डिब्बे का आयतन है। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, हम सभी वैल्यूज यहां पुट करेंगे, पाई 22/7 है, आर आप देख सकते हैं 7/2, 7/2 क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार आएगा और हाइट है 10, इससे ये कटा, इससे ये कटा 11 बार, इससे ये कटा 5 बार, 5 से 35 और 35 इंटू 11 होता है इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा डिब्बा अधिक धारिता का है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये है बेलनाकार डिब्बा, तो बेलनाकार डिब्बा या आप ये कह सकते हैं कि वृत्ताकार आधार वाले डिब्बे की, बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितनी अधिक है, 385 - 300 यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ओके, तो ये हमारा आंसर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।